हेलो दोस्तों, आज का वीडियो प्रोजेक्टर के ऊपर है। तो देखिए, इस प्रोजेक्टर में एक दिक्कत आ गई है। तो पहले दिक्कत आप लोग देख लीजिए। तो चलिए पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए क्या दिक्कत है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे काला लंबा सा धब्बा दिख रहा है एक, और पूरे पिक्चर में गंदा जैसा दिखाई देता है। तो पिक्चर भी चलता है तो ऐसे ही दिखता है ये, और ये देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये दिक्कत क्यों आता है और इस दिक्कत को कैसे ठीक करेंगे, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो देखिए, यही वो प्रोजेक्टर है जिसमें दिक्कत आई है। तो ये चलने में सब कुछ बिल्कुल सही चलता है, लेकिन वही एक दिक्कत आ गई है जो आप लोग देखे हैं। तो इसको देखिए, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो देखिए, इसका पेंच कहाँ कहाँ पे है वो देखिए। एक यहाँ पे पेंच है, एक यहाँ पे पेंच है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो टोटल 6 पेंच है इसमें। तो इस 6 पेंच को पहले खोल लेंगे। देखिए, ऊपर के ढक्कन को मैंने खोल लिया। अब इसमें भी पेंच लगा हुआ है, तो देखिए ये सारे पेंच को भी खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेंगे। देखिए, इस पेच को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ से सॉकेट भी निकल सकता था, लेकिन देखिए इस पे बोन फिक्स डाला हुआ है तो ये निकल नहीं रहा है और निकालने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें सावधानी से प्लेट को उलट के और इस प्लास्टिक वाले कवर को निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेते हैं। आप लोग को जब भी ज़रूरत हो तो पहले ये बोर्ड को अलग कर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कौन सा वायर कहाँ से निकाल रहे हैं। तो मैं तो मुझे सावधानी से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वायर नहीं निकल रहा है। तो देखिए, आराम आराम से ये प्लास्टिक वाला कवर को निकाल लिया। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। अब फॉल्ट कहाँ पे है वो मैं दिखाता हूँ। ये इसका प्लास्टिक कवर है, फिर इसको जैसे निकाले हैं वैसे ही कसना पड़ेगा। तो चलिए फॉल्ट को देखिए कहाँ पर फॉल्ट है। तो देखिए, ये पिक्चर 2 जैसा दिख रहा है। यहाँ से फॉक्स आता है और इसके आगे LCD लगी होती है। तो देखिए, ये LCD और फोकस जो पिक्चर 2 जैसा है उसी के बीच में ये कचरा आ जाता है, धूल मिट्टी मकड़ी का जाला ये सब आ जाता है, जिसके कारण पिक्चर पे गंदा सा दिखता है और बड़ा बड़ा धब्बा सा दिखता है। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये LCD और वो ग्लास है, वो दोनों को साफ कर देंगे निकाल के, तो बिल्कुल ही सही पिक्चर हो जाएगा। तो इसी को साफ कर देते हैं तो फिर पिक्चर हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन दिखेगा। तो इसी को साफ़ कर लेंगे। तो इसको साफ करने के लिए हम रुई का इस्तेमाल करेंगे, या तो फिर मुलायम कपड़ा हो जो कॉटन का होता है तो उससे साफ़ करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो उसको निकाल निकाल के, ये सिर्फ घाट बनाया होता है प्लास्टिक का और उसी में बैठाया रहता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो ये सबको बाहर निकाल के अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और साथ में लेंस को भी साफ़ कर लेंगे। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं आराम से। तो कोई भी पार्ट्स को बिल्कुल ही आराम से निकालिए, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट भी सकता है। तो देखिए, ये आराम से निकल गया। देखिए, ये सब इसमें धूल आ गया है, ये सब को साफ कर लेंगे। तो अब देखिए, इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया, अब इसको लगा लेंगे। तो इसको ऐसे ही आराम आराम से लगा लेंगे फिर। और ये भी घाट में बैठा होता है, तो ये दोनों तरफ जो साइड में देख रहे हैं उसको घाट में बैठाना रहता है, तो आराम से ये बैठ जाता है। देखिए, इस तरह से बैठा लेंगे। तो देखिए, सबको मैं साफ़ करके अच्छी तरह से बैठा लिया, तो ये बिल्कुल ही आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ घाट में फंसाया होता है, आराम से आप निकालेंगे तो निकल जाएगा और फिर लग जाएगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो ग्लास है ये अगर टेढ़ा हो जाए, घाट में नहीं बैठे, तो पिक्चर आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के और सीधा ही लगाना चाहिए। तो मैंने साफ़ कर लिया है। अब ये ऊपर वाला प्लास्टिक कवर जो होता है वो लगा लेंगे और बहुत ही सावधानी से इसको आराम आराम से बैठाएंगे, क्योंकि कोई वायर न टूटे। और ये वायर है, इसका बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये टूट जाने से LCD में लाइट नहीं जलेगी तो दिक्कत आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत ही आराम आराम से इसको बैठाएंगे।
अब देखिए LCD में एक क्लिप लगा होता है जो कि टेप को चिपका के और लगाया जाता है, तो वो निकल गया तो इसको लगा लेंगे। ये सिर्फ टेप को चिपका के ऊपर से फंसाया हुआ रहता है तो इसको लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको बीच में, इसको सिर्फ फंसाने के लिए टेप को चिपका रहे उसी के ऊपर कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको उस पर बैठा लेंगे। उसके बाद ये शीशा जो देखिए टेढ़ा हो गया, तो ये घाट से आउट होगा तो पिक्चर टेढ़ा हो जाएगा, तो इसी शीशे को सीधा लगाना है। उसके बाद ये कवर को अब बैठा लेंगे, तो इसको आराम आराम से बैठाएंगे क्योंकि सबका घाट होता है और घाट में बैठाना पड़ता है। घाट में नहीं बैठेगा तो ये फिर सही से नहीं बैठ पाएगा, तो इसको ध्यान से देख देख के बैठा लेंगे। तो देखिए ये बैठ गया, अच्छी तरीके से बैठ गया। अब इस सर्किट को भी बैठा लेंगे। अब ये सर्किट को बैठाने के बाद पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए प्रोजेक्टर को ऑन कर लिया है, अब इसका पिक्चर दिखाता हूँ मैं। अब चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये है पिक्चर। अब देखिए इस पे से धब्बा और गंदा सा जो दिख रहा था वो सब गायब हो गया है। तो ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसे ही साफ सफाई करके और प्रोजेक्टर को क्लीन कर लेना है ताकि पिक्चर देखने में अच्छी लगे। अब इसके बाद इसके सारे पेंच को अच्छी तरीके से कस लेंगे।